आप लोग बैठ जाना, बैठ जाओ। पत्रकार साइड में होंगे सर, पीछे में दिखेगा ना ये पत्रकार भी। एक मिनट दुष्यंत जी, एक मिनट मैं बाकी समिति की तरफ से रखना चाहूंगा कि सबसे पहले तो गेट खुले आपके लिए। करनाल के पास पर मौजूद तमाम हरियाणा प्रदेश के 22 के 22 जिलों से आए हमारे गेस्ट स्पीकर मैं तो इतना आपको बोलना चाहूंगा कि साथियों, एक दशक से ऊपर आपको संघर्ष करते हुए 14 साल और कांग्रेस की सरकार में एक ऐसी क्योद लगाई गई थी जिसने कहीं ना कहीं आपके भविष्य के साथ तो खिलवाड़ किया, साथ ही साथ हरियाणा के शिक्षा सेक्टर के साथ भी खिलवाड़ किया। और 5 साल पहले आई बीजेपी की सरकार में आपके स्टेज पे आके आप लोगों को बारी बारी वादे के उतरा तक कह दिया कि अगर होगा तो आप पहली कलम से इसको लागू करें। वो दिन आज का दिन बीजेपी ऊपर भी नहीं, नीचे भी नहीं, मुझे भी 5 साल उत्तर काल में उसमें रहने का मौका। आपके इसी ग्राउंड में पिछले साल भी आया था जब बैठी हॉस्पिटल में एडमिट थी और आप सबके आगे भी ये बात मैं रखी थी तो पार्लियामेंट को उस बात को रखती और 2-3 बार उसके बाद भी विंटर सेशन की बात हो, मानसून सेशन की बात हो, हमने मंत्री से भी क्वेश्चन आवर में सवाल किए और बाद में तो ये भी तक भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मध्य प्रदेश वाले गेस्ट टीचर के मामले में आई थी, केंद्र सरकार ने जब भी कहा था कि हम उसको इसी पॉलिसी के तहत रेगुलाइज करने का प्रयास, पर वो दिन हो आज के दिन प्रदेश के अंदर एक परसेंट गंभीरता किसी भी तरीके से आप लोगों के सरकार में और जिस तरह का झूठ आपकी भावनाओं को समझता मगर मैंने पिछली बार एक ही चीज इसी पंडाल में कही थी बैठे उससे सरकार को जवाब नहीं दे पाए क्योंकि हम जितने हिस्सों में बटेंगे उतनी हमारी ताकत बटेगी। अब जो इनने कल कंप्यूटर टीचरों के साथ किया और इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ कर्मचारी वर्ग को ये गेस्ट टीचर नहीं, प्रदेश का हर कर्मचारी सरकार से परेशान है। चुनाव आ रहा है, मैं भी कह जाऊंगा अभी पहली कलम से लागू कर दूंगा, चुनावी वादे हैं, इस पर विश्वास करने की जरूरत है मगर अधिकार कैसे मिलेगा इस पर स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है। मैं तो एक चीज जरूर आपको कहता हूं कि अपनी तरफ से कैंडिडेट मुख्यमंत्री के सामने खड़ा करेंगे, मैं सबसे पहले उसका समर्थन करने जाता हूं। अगर इनके पास वोटों को इकट्ठा करके चुनाव लड़ने की ताकत है, विधानसभा में जाने की ताकत है साथियों, तो क्यों नहीं इनकी ताकत के सामने अपनी ताकत। एक टीचर के पास कितने 14,000 बच्चे हैं और कितने आप लोग 13,000 से 14,000 तो 14,000 इंटू 14,000 को मैच का मास्टर करके बताए कितने लाख वोट हो गए।
साथियों लड़ाई लड़ने का तरीका बदलना पड़ेगा। अभी धरने पे बैठे रहोगे, अनशन करते रहोगे, कुंडी भरी सरकार ना इसको जगा पाओगे ना इसको चिता पाओगे। और बोलते हो कि मैं आपकी तरफ से कोई हमारी तरफ से आप लोग एक कैंडिडेट तो उसको खड़ा करो तो उसमें भी खड़ा करने तैयार, फिर हो जाएगा पॉलिटिकल। इसको पॉलिटिकल बनाओगे तो फिर कोई बीजेपी का है कोई कांग्रेस का है गैस टीचर भी बन जाएगा। मैं तो कहता हूँ आज जैसे पहले कर्मचारी लड़ा करते थे सारे एक हो, कंप्यूटर टीचरों की भी बुलाओ पंचायत से, आप लोग भी करते थे, ये रोडवेज वाले कर्मचारी बैठे हैं इन्हें भी लाओ, ये बिजली विभाग वाले बैठे हैं इन्हें भी लाओ, होमगार्ड वाले बैठे हैं इन्हें भी लाओ। अगर आपने सबको इकट्ठा कर दिया इस मैदान में, पुलिस की हिम्मत है डंडे मारते, एक महीने में चुनाव है, इतनी वोट की ताकत होती है, मुख्यमंत्री स्वयं चुनाव हार जाएंगे, फिर आपके विधायक जब जीत के जाएगा क्या वो आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा विधानसभा के? और यहाँ बैठ के यही सोचते रहो कि धरना देने से साथ समर्थन मिलेगा। बारह बार तो मेरे को याद है पार्लियामेंट में मैंने आपका कंप्यूटर टीचरों का मामला उठाया, मोदी जी के तो खुद उनके बैठे हुए कोशा था कि प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया की बात करते कंप्यूटर वाले लोग तो पक्के नहीं करे जाते, कंप्यूटर तो चलाए नहीं जाते, कंप्यूटर तो स्कूलों में चलते हैं। यही हालात आपकी है और केवल मात्र हरियाणा में नहीं पूरे देश के अंदर, नाम अलग अलग होंगे, शिक्षा मित्र होगा कहीं, कहीं गेस्ट टीचर है, कहीं अतिथि अध्यापक है, मगर एक ताकत को समझो जो आपके हाथ में वो है वोट की ताकत। और क्यों नहीं, जब आपका ये सुन नहीं रहे, जिस तरह अभी बहनती खड़ी होकर कह रही थी मैंने मुंडन करवाया, ये 17 दिन से अंतर में बैठे, कोई इनका मंत्री संतरी भी नहीं आया सुन, इन लोगों को पता है कि आप बैठे रहोगे धीरे धीरे कमजोर पड़ोगे, कमजोर पड़ के जैसे आचार संहिता लग जाएगी आप लोग अपने अधिकार मांगने छोड़कर घर में जाके बैठे। इस मूवमेंट को तो आज शुरू करो और खड़े होकर तो कि हम खड़ा करेंगे हमारी ओर से एक टीचर। तो मैं तो कहता हूँ इतनी महिलाएं बैठी तो पढ़ी लिखी इनमें से करते 50% वोट तो इनके है, इनकी ताकत को साथ उठाओ। एक घर के अंदर आप तो शायद खुद रोटी लानी है होगी, ये तो रोटी ऊपर भी बुजुर्गों को भी खिलाते हैं नीचे बच्चों को खिलाते हैं, 4-4, 5-5 वोट को संभालने वाली है। तो इस चीज पे विचार करो, समर्थन मेरा तो जब मैं एमपी बना था उस दिन से लेकर आज तक आपके साथ, मेरा इस तरफ आना नहीं हुआ। मेरे को बहुत से साथी कहते थे कि भाई साहब करनाल बैठे, मैं कहा जिस दिन मैं करनाल जाऊँ, आज मैं इंद्री है आप लोगों को तो कोई समाचार नहीं था, मैं स्वयं ही आया और मैं आपकी पीड़ा को समझता, पर उस पीड़ा के अंदर आज विपक्ष भी इतना कमजोर विधानसभा में था कि आपकी कोई आवाज को मजबूती से नहीं रखता। मगर अब मौका आपके हाथ में है, तो ज्यादा समय नहीं है, कोड ऑफ कंडक्ट आज शाम को लगे कल या परसों तक तो 20 तारीख से पहले लग जाए, जिस दिन कोड ऑफ कंडक्ट लगे पुलिस की मजबूरी बढ़ जाएगी आपको यहाँ से उठाना। मगर इससे पहले मैं तो कल दिन कंप्यूटर टीचरों पे भी अत्याचार हुआ उनसे भी आपके माध्यम से आग्रह करता, रोडवेज कर्मचारियों से भी आग्रह करता, बिजली विभाग के कर्मचारियों से भी आग्रह करता। आज तो कच्चे कर्मचारी बैठे हैं, जो हमारे सफाई कर्मचारी धरने पर बैठे थे जिन्हें एक एक महीने तक कचरा नहीं उठाया तो सरकार की बोलती बंद करा दी थी, सारे मिलकर करो और एकता दिखाओ और उस एकता को इस मैदान में उतारो और उतार कर कहो कि हम टक्कर लेंगे सरकार और सीधी टक्कर लेंगे। और जिस दिन आप लोग खड़े होके आपने एकता दिखा दी, इतने टीचर बैठे हो इतने तो हम वर्कर डोर टू डोर कराने शुरू कर दिया तो हल्का बदल जाएगा एक दिन में, 14,000 लोगों की ताकत कोई कम नहीं होती, इस ताकत को सब। मैं तो इतना ही निवेदन कर सकता हूँ मेरी ओर से, हमारी पार्टी जननायक जनता पार्टी की ओर से हम आपकी इस मुहिम में आपका साथ, मगर कोई मीठी गोली दे के अगर मेरे को बोले भी आज जाओ और खुश करके जाओ, लोग आपके पास आते रहेंगे जिन्हें कांटे बोए थे वो भी आके समर्थन करके जाएंगे, पर उससे क्या भला होगा, किसका भला होगा, किसी का राज बन गया फिर भूल जाते हैं। मगर जब आपका प्रतिनिधि जीत के जाएगा और विधानसभा में जाकर जब आपकी लड़ाई लड़ेगी तो भला होगा आपका, नहीं होगा
मेरी ओर से आपकी इस मुहिम में, आपकी इस लड़ाई में हमारे पूरे संगठन का आपको सहयोग है। मगर एक ही निवेदन करता हूँ जो मैंने बात कही, क्यों बट के ना बैठो, एक हो जाओ, एकता की जब ताकत दिखाओ तो अच्छी अच्छी चीजें पिघल सकती है, अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे अच्छे बदलाव आ सकते हैं। और साथियों, तेलंगाना बनाने के कोई हक में नहीं था, ये तो मेरे जीवन काल में हुआ। सारे कहते थे आंध्रा एक रखो, कांग्रेस बीजेपी, टीडीपी भी, बीजेपी, सिर्फ एक व्यक्ति ने मुहिम शुरू कर दी और तेलंगाना के लोगों को एक करना शुरू कर दिया। अभी इस मुहिम के अंदर हम साथ चलेंगे। आज प्रदेश बन गया, अलग नहीं बना, तो हम क्यों नहीं बदलाव ला सकते? जब 5 लाख कर्मचारी हैं, 3 लाख, 1.5 लाख, ये फैसला तो आपके ऊपर। मैं तो आपको एक सुझाव जरूर दे सकता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे टीचर जो बैठे आप कोई अनपढ़ लोग नहीं हो जिनको इस चीज का ज्ञान ना, सारे पढ़े लिखे, सबके पास एक एक डिग्री कम से कम, और कई तो ऐसे होंगे जिनने MBA भी कर रखी, PhD भी कर रखी, PhD भी कर रखी। तो आप तो शिक्षित समाज हो, जिस दिन शिक्षित समाज खड़ा होकर परिवर्तन की लड़ाई लड़ेगा, अपने आप एक बड़ा बदलाव, एक परिवर्तन इस प्रदेश में हमें देखने को मिले। मैं तो मेरी लड़ाई लड़ता रहूँ, मगर इस लड़ाई के अंदर आपके साथ खड़े होने की जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं आकर खड़ा होगा। आप सबने मुझे यहाँ बुलाया, बोलने का मौका दिया, इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।